हेलो गाइस, टेक बॉस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। फाइनली रियलमी ने भी अपना रियलमी 9 प्रो और रियलमी 9 प्रो प्लस इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 9 प्रो के बारे में। रियलमी 9 प्रो प्लस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आइए जानते हैं इसके अंदर हमें क्या खास स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। इसके अंदर 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले होने वाली है और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है। इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज का होने वाला है और कंपनी की तरफ से अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि इसके डिस्प्ले पे कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर बात करें इसकी कैमरा सेटअप की तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। मेन कैमरा इसमें 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस होने वाला है। आप इसके कैमरे से काफ़ी अच्छी फोटोज़ निकाल सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटोज़ कितनी शार्प आती हैं। आपको इसमें सुपर नाइट मोड का ऑप्शन भी मिलता है, आप नाइट में भी अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप इस कैमरे से अच्छी नाइट वीडियो भी शूट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरे की तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है और फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से ही आप फुल HD वीडियो 30 FPS पर आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी चिपसेट की तो इसमें स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर होने वाला है जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और एक 5G प्रोसेसर भी है। इसके अंदर 5000 mAh की बिग बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर भी होने वाला है। इसके अंदर LPDDR4X रैम, UFS 2.2, अप टू 5GB तक रैम एक्सपेंशन का भी सपोर्ट होने वाला है। अगर बात करें इसकी सिम स्लॉट की तो इसमें हाइब्रिड वाला स्लॉट होने वाला है, यानी आप इस फोन में या तो एक बार में दो सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे या तो एक HD कार्ड और एक सिम कार्ड ही इसमें यूज़ कर पाएंगे। इस फोन के अंदर 3.5mm जैक का सपोर्ट भी होने वाला है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट होने वाला है। इस बार रियलमी की इस सीरीज के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। वैसे रियलमी 9 प्रो प्लस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर बात करें इसकी थिकनेस की तो इसकी जो थिकनेस है वो 8.5mm के आसपास होने वाली है। इसका जो वेट है वो 195 ग्राम के आसपास होने वाला है। ये फोन एंड्रॉयड 12 विद रियलमी UI 3.0 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। इस फोन के अंदर 3 कलर वेरियंट कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, मिडनाइट ब्लैक, अरोरा ग्रीन, सनराइज ब्लू। रियलमी की तरफ से इसमें सिर्फ 2 ही वेरियंट लॉन्च किए गए हैं, 6GB 128GB, जिसका प्राइस 17,999 रुपये रखा गया है। और इसका जो दूसरा वेरियंट है 8GB 128GB, जिसका प्राइस 20,999 रुपये रखा गया है। इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 23 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर होने वाली है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर HDFC की तरफ से कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में कुछ कमी भी है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें सिर्फ आपके लिए। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।